नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान पाँव में सूजन क्यों आती है, इसकी क्या क्या वजह हो सकती है, कहीं ये खतरनाक तो नहीं है या फिर ये किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम की वजह नहीं होती है। तो दोस्तों, इसी का जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान माँ के शरीर में ब्लड का उत्पादन लगभग 50% तक बढ़ जाता है। रक्त और तरल पदार्थ का यह अधिक उत्पादन गर्भावस्था के दौरान सूजन का कारण बनता है। गर्भावस्था के दौरान हाथ, चेहरे, पैर और टखने की सूजन एडिमा के प्रभाव है। दोस्तों, टिश्यू में तरल के जमाव को सूजन कहते हैं। इससे शरीर का एक या कई भाग प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, ये तरल के जमाव की वजह से शरीर का प्रभावित भाग सूजा यानी कि फूला हुआ सा लगता है। यह शारीरिक समस्या गर्भावस्था के दौरान सामने आती है। मॉडर्न चाइनीज गायनोकोलॉजी में इस समस्या को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वाटर स्वेलिंग इन प्रेगनेंसी, डिस्टेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ETC। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गर्भावस्था में सूजन कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये एक शारीरिक समस्या है जिसे आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो इसकी कुछ वजह है, जिनमें से पहली वजह है हार्मोनल बदलाव। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं जो शरीर में सोडियम और तरल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि शरीर में कई भागों में सूजन आ जाती है, खास करके हाथ और पैरों में। बात करते हैं इसके दूसरे कारण की, जो कि है गर्भाशय का बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, गर्भाशय का बढ़ना आकार, पेल्विक की नसों और वेना कावा यानी कि ऑक्सीजन से रहित जो रक्त को हृदय तक ले जाने वाली बड़ी नस होती है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, जिसे पेल्विक में ब्लड संचालन धीमा पड़ जाता है और ब्लड शरीर के निचले भाग में इकट्ठा होने लगता है। दोस्तों, इकट्ठा हुआ रक्त टिश्यू में मौजूद पानी पर भी दबाव बनाता है और पैरों में सूजन का कारण बन जाता है। तो इस वजह से भी पैरों में सूजन आती है। और दोस्तों, बात करते हैं अगले कारण की, जो कि होता है प्री एक्लेम्प्सिया। जी हाँ, प्री एक्लेम्प्सिया के कारण भी गर्भवती महिलाओं के हाथों और चेहरों में सूजन आ सकती है। प्री एक्लेम्प्सिया एक चिकित्सकीय स्थिति है जिससे गर्भवती महिला का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है और गर्भावस्था के 20वें हफ्ते तक मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। जिन महिलाओं को क्रोनिक हाइपरटेंशन की शिकायत होती है, उन्हें भी प्री एक्लेम्प्सिया हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी अगले कारण की वजह से। तो अगला कारण इसका होता है किडनी की समस्या की वजह से। जी हाँ दोस्तों, किडनी की समस्या की वजह से भी अधिकतर महिलाओं के पैरों में सूजन आ सकती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो किडनी पर भी इसका असर देखने को मिलता है, जिसमें बदलाव की वजह से कभी कभी पैरों में सूजन आपको देखने को जरूर मिल सकती है। तो दोस्तों, ये सारी वो मेन वजह होती है जिसके कारण आपके प्रेगनेंसी में हाथों में या फिर खास तौर पर पैरों में सूजन आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे कि आखिर प्रेगनेंसी में सूजन के क्या क्या कारण होते हैं, आपने जाने होंगे। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की जानकारी, जो होती है यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।